our topic is gestational diabetes mellitus. तो डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, पहले वो देखते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, एक हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, या फिर हार्मोनल डिफॉर्मिटी भी बोल सकते हैं। कौन से हार्मोन का इम्बेलेंस? इंसुलिन का। तो ब्लड में इंसुलिन का लेवल इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज होने पे डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन अराइज होती है। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन हो तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस इज कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस ऑफ वेरिएबल सीवियरिटी फर्स्ट डायग्नोस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस की कंडीशन है जो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी के दौरान ही फर्स्ट डायग्नोज की जाए। तो उसके बाद में क्या है कि जो इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन का इम्बेलेंस हो जाता है, और क्योंकि इंसुलिन या तो सिक्रेशन नहीं होगा प्रॉपर, या फिर इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? पैनक्रियाज की ब्यूटा सेल से होता है। तो या तो इम्प्रॉपर सिक्रेशन होगा या फिर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो अगर रिसेप्टर क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के वो अनरेस्पॉन्सिव हो जाते हैं, तो उस वजह से। तो अब सेकंड देखते हैं अपन टाइप देखते हैं हम, जिसके ये थ्री टाइप का होता है, प्री जेस्टेशनल, जेस्टेशनल एंड ओवर डायबिटीज मेलाइटस। तो पहला प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस देखते हैं। ये क्या, ये कब होता है? जब प्रेगनेंसी से पहले, बिफोर प्रेगनेंसी जब ये कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो ये भी दो टाइप का होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो फर्स्ट जो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसमें क्या होता है कि ये फर्स्ट टाइप का डायबिटीज मेलाइटस होता है। और क्या होता है कि इसको जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं, क्योंकि ये यंग एज में होता है, या फिर बच्चों में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन का इनसफिशियंट सिक्रेशन होता है बीटा पैनक्रियाज की बीटा सेल से, जिसके कारण इसमें इंसुलिन के ब्लड में इंसुलिन की कमी देखी जाती है इसमें। और इसको ट्रीट कैसे करेंगे? या तो इंसुलिन थेरेपी से, या फिर डाइट मॉडिफिकेशन से। देन सेकेंड है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसको सेकेंड टाइप का डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं। और ये मेनली जो एडवांस एज वाले पर्सन हैं उनमें होता है। इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन का सिक्रेशन होता है वो बॉडी में, इंसुलिन का सिक्रेशन तो होता है लेकिन जो बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के वो इनएक्टिव हो जाते हैं, या फिर ब्लॉक हो जाएंगे, या फिर अनरेस्पॉन्सिव हो जाएंगे किसी भी रीज़न की वजह से। तो वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे इंसुलिन का, तो उस वजह से इंसुलिन ब्लड में ही रहेगा। तो ब्लड में इंसुलिन का लेवल इंक्रीज रहता है, और मेनली ओबेस पर्सन में भी देखा जाता है। और इसमें डिफेक्टिव इंसुलिन प्रोडक्शन का भी एक कॉज हो सकता है। देन सेकेंड है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या होते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज मेलाइटस का होना। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन होना जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। और इसमें टोटल वुमेंस में से 3-10% वुमेंस से अफेक्टेड होती है, टोटल प्रेगनेंट वुमेंस में से। और इसमें क्या होता है कि डिलीवरी के 6 वीक के बाद में धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। और मेनली कब देखने को मिलता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट वीक में एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के फर्स्ट वीक में इसको देखा जा सकता है। देन थर्ड है ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस। ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? इसमें क्या होता है कि डायबिटीज़ के सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और इसमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मोर देन 200 mg/dL होता है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें
फोर प्राइमरली डायग्नोज करेंगे। पहले प्राइमरी डायग्नोज करने के लिए क्या आप देखेंगे, देखते इसमें थ्री पी देखते हैं अपन। थ्री पीज में क्या आता है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया। इसमें क्या होता है, पोलीफेजिया क्या होता है, भूख का ज़्यादा लगना, पोलीडिप्सिया प्यास ज़्यादा लगना, पोलीयूरिया मतलब यूरिन का ज़्यादा आना। और उसके बाद में और क्या क्या और देखने को मिल सकता है, जैसे ब्लड लॉस देखने को मिल सकता है, जो उसके ब्लड लॉस की हिस्ट्री हो, या फिर ब्लड रीजन भी हो सकता है उसका, क्योंकि जो आई की वेसल्स हैं उनमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने के कारण ब्लड रीजन हो सकता है। और अगर ब्लड रीजन को ट्रीट नहीं किया गया टाइम से तो रेटिनोपैथी की कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो रेटिनोपैथी क्यों होता है, क्योंकि रेटिना की जो ब्लड वेसल्स हैं, रेटिना के टिश्यू की ब्लड वेसल्स हैं, उनमें ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में होगा, उनमें ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा वहाँ पे, और उसकी वजह से क्या, वो ब्लड वेसल धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है, तो रेटिनोपैथी हो सकती है। उसके बाद में रिकरेंट वेजाइनल इन्फेक्शन भी इसमें देखने को मिलता है, और रिकरेंट यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसमें होता है, और पॉलीहाइड्रामनोज की कंडीशन भी इसमें होती है। इसमें क्या होता है, जो इम्यूनिटी फ्लूइड है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 1500 ml के आसपास हो जाएगा उसकी अमाउंट, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन में। और ग्लाइकोसूरिया भी देखने को मिल सकता है, ग्लूकोज का लेवल यूरिन में। और मैक्रोसोमिया भी, मतलब जो फीटस है उसका, उसकी जो साइज है वो इंक्रीज होना, साइज और वेट दोनों इंक्रीज हो सकता है इसमें, तो मेनली 4 किलो के आसपास इसमें बेबी हो सकता है। और क्या देखने में सर, ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होगा। उसके बाद देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम कब करते हैं, नॉर्मली 24 to 28 वीक के बीच में हम डायग्नोसिस करते हैं डायबिटीज़ के लिए। तो इसमें दो मेथड किए जाते हैं, GTT और OGTT, मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। लेकिन इनको करने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग मेथड का यूज़ किया है, और उनकी वैल्यू भी अलग अलग है। तो देखते हैं, सबसे पहला मेथड है वो कारपेंटर कस्टम ने बताया है। कारपेंटर कस्टम ने क्या बताया है कि सबसे पहले, इसमें पहले स्टेप क्या बताइए कि जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर 95 mg/dL से कम आता है तो वो नॉर्मल की कंडीशन है, और अगर 95 mg से ज़्यादा आता है तो वो अबनॉर्मल होगा। देन सेकेंड जो स्टेप है उस पर क्या करेंगे, इसको वुमेन को 100 ग्राम ग्लूकोज देंगे ओरली। देन उसके बाद में उसका 1 आवर के बाद में ब्लड टेस्ट करेंगे फॉर शुगर, तो शुगर का लेवल इसमें 180 mg/dL आएगा तो वो नॉर्मल है। तो और उसके बाद में वापस 2 आवर के बाद में वापस उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, तो उसमें अगर लेस देन 155 ग्राम पर डीएल अगर रेंज आती है तो उसको डायबिटीज़ नहीं है, वो नॉर्मल कंडीशन है। और अगर मोर देन 155 mg/dL से अगर ज़्यादा आ रही है उसकी डोज, तो मतलब फीमेल क्या है उसमें टॉलरेट कर पा रही है उस लेवल को, जो उसके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको टॉलरेट कर पा रही है। और उसके बाद में 3 आवर के बाद में फिर से रिपीट ब्लड शुगर लेवल किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो अगर शुगर का लेवल मोर देन 140 mg/dL आ रहा है तो वुमेन अफेक्टेड है बाय डायबिटीज मेलाइटस से। अगर इससे कम आ रहा है, 140 mg/dL से कम आ रहा है, तो उसको पहले वाली उसकी कैटेगरी में इन्वॉल्व करेंगे, मतलब वो टॉलरेबल है इस
इस उसके जो ग्लूकोज लेवल है उसके ब्लड में उसको टॉलरेट कर पा रही है। अब सेकंड जो है वो देखते हैं इंडियन नेशनल डायबिटीज डाटा ग्रुप ने क्या बताया है इसमें कि ये ग्रुप भी इसके जो पहले वाला ग्रुप था पार्लियामेंट के क्वेश्चन वाला ग्रुप इससे वेरी करता है। इसकी रेंज में थोड़ा फ़र्क है, मतलब इसकी फास्टिंग रेंज जो है वो है 105 एंड 1 आवर के बाद में वापस चेक करेंगे तो उसमें रेंज 190 एंड 2 आवर के बाद में 165 एंड 3 आवर के बाद में 145 mg पर डीएल शुगर इसमें होना चाहिए और इससे ज़्यादा अगर होगा तो वो डायबिटीज की कंडीशन है। और थर्ड देखते हैं अमेरिकन डायबिटी एसोसिएशन, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो अगर फास्टिंग का ब्लड शुगर 126 mg पर डीएल है तो उसके लिए ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं जिसमें कि 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं उसको ओरली, देन 2 आवर के बाद में उसका ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 ग्राम पर डीएल से मिलीग्राम पर डीएल से अगर ज़्यादा आता है तो उसको ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस वो अफेक्टेड है। उसके बाद में देखते हैं कि ये तो हो गए अलग अलग मेथड के हिसाब से, लेकिन हम नॉर्मली जनरली जो प्राइमरी तौर पे जो हम टेस्ट यूज करते हैं वो होता है GTT और OGTT, मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो सबसे पहले ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट देखते हैं, इसमें क्या करते हैं कि जिस दिन टेस्ट होना है ग्लूकोज का ब्लड में उसके 3 दिन पहले हम पेशेंट को हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे, ठीक है, और उसके बाद में टेस्ट के 8 to 12 आवर से पहले पेशेंट को MBM कर देंगे, ठीक है। MBM नील परमा तो उसको कुछ भी खाने पीने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद में उसका ब्लड शुगर लेंगे तो जो फास्टिंग का ब्लड शुगर है वो अगर लेस देन 100 मिलीग्राम अगर आता है तो डायबिटीज़ की कंडीशन नहीं है, और अगर मोर देन 100 मिलीग्राम आता है मोर देन 100 से 126 मिलीग्राम आता है तो वो टॉलरेट की कंडीशन है उसके लिए, तो उसके बाद में तो उस लेवल को वो वूमेन टॉलरेट कर पा रही है। और इसके इस मेथड के बाद में OGTT करते हैं, मतलब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, जो इसमें 100 ग्राम वूमेन को ओरली ग्लूकोज दिया जाता है उसके बाद में ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं हम कि जो अगर ग्लूकोज जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 140 mg पर डीएल से अगर कम आ रहा है तो वो नॉर्मल की कंडीशन है, और अगर 140 mg पर डीएल से ज़्यादा आ रहा है तो 140 mg पर डीएल से ज़्यादा और 200 mg पर डीएल से कम आ रहा है तो इसमें इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल है, मतलब ये भी टॉलरेबल कंडीशन है, और अगर मोर देन 200 mg पर डीएल आ रहा है तो वुमेन डायबिटिक्स मेलाइटस से अफेक्टेड है। अब देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन फीटल और मैटरनल दोनों ही होते हैं इसमें, तो पहले देखते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसके, अबॉर्शन हो सकता है, अबॉर्शन के में भी चांसेस हो सकते हैं इसमें क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस है तो इसमें अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। और अबॉर्शन को कब बोलेंगे, बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, और डिपेंड करता है इसके टाइप पे कि किस टाइप का अबॉर्शन हो रहा है। देन सेकंड है पॉलीहाइड्रामनोज की कंडीशन, तो पॉलीहाइड्रामनोज में क्या होता है कि इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड क्यों हो जाता है पॉलीहाइड्रामनोज, क्योंकि जो फीटस है उसकी उसमें पोलीयूरिया की कंडीशन हो सकती है। पोलीयूरिया की कंडीशन कैसे होगी, मतलब फीटस का यूरिन प्रोडक्शन में इंक्रीज होना, तो वो क्यों होगा, क्योंकि फीटस में भी हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, और मैक्रोसोमिया के कारण फीटस का साइज भी बड़ा है,
और फीटस में ग्लूकोज का लेवल भी ज़्यादा है और प्लेसेंटा का साइज भी लार्ज है, तो उस वजह से उसमें पोलियूरिया की कंडीशन होगी और पोलियूरिया की वजह से पोलीहाइड्रामनोज की कंडीशन हो सकती है। देन उसके बाद में क्या, प्री एक्लेम्सिया भी इसमें देखने को मिल सकता है। इसमें बीपी इंक्रीज हो जाएगी या फिर प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा या फिर होल बॉडी में इडिमा हो सकता है आफ्टर 20 वीक। और यूटीआई देखने को मिल सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है वो डिक्रीज हो गई है। और डायबिटिक रेटिनोपैथी भी देखने को मिलती है और हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू पुअर डायबिटीज मेलिटस कंट्रोल। सेकेंड इसमें मेटरनल में क्या होगा, ड्यूरिंग लेबर, उनकी लेबर के टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे प्रीटर्म लेबर हो सकता है। तो प्रीटर्म लेबर जो कम बोलेंगे तो 20 वीक के बाद में और 37 वीक से पहले अगर लेबर होता है तो उसको प्रीटर्म लेबर बोलते हैं। तो क्यों हो सकता है प्रीटर्म लेबर, पोलीहाइड्रामनोज के कारण या फिर इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में प्रोलोंग्ड लेबर, मतलब लेबर की ड्यूरेशन बढ़ जाना, तो वो भी क्यों हो सकता है, क्योंकि जो बिग साइज ऑफ बेबी है तो उस वजह से भी साइज इसमें प्रोलोंग्ड लेबर हो सकता है। तो नॉर्मली उसका टाइम क्या देखा जाता है लेबर का, जो प्राइमरी है उसमें 14 to 16 hours इसमें नॉर्मली ड्यूरेशन होता है और बंटी में 8 to 10 hours का टाइम इसमें लगता है। लेकिन इसमें प्रोलॉन्ग लेबर में जो है वो मोर देन 18 hours से 20 hours तक का टाइम इसमें लग सकता है। इसके बाद में शोल्डर डिस्टोशिया देखने को मिल सकता है, मतलब शोल्डर डिस्टोशिया क्यों, क्योंकि बेबी का साइज बड़ा है तो डिलीवरी के टाइम पे उसका हेड तो जो डिलीवर हो जाएगा, लेकिन जब एंटीरियर शोल्डर उसका डिलीवर होगा तो उस समय वो प्यूबिक बोन में फंस सकता है। तो इस वजह से शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है, क्योंकि साइज उसका बेबी का लार्ज है इस वजह से। और क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है क्योंकि लार्ज साइज ऑफ बेबी। और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है। और पीपीएस देखने को मिल सकता है, क्योंकि फीटल डिलीवरी के बाद में हैवी ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। और सिजेरियन सेक्शन भी इसमें हो सकता है, क्योंकि लार्ज साइज ऑफ बेबी और ब्यूटी प्रोलॉन्ग्ड लेबर। और क्या हो सकता है कि जो मैटरनल सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनमें इंजरीज देखने को मिल सकती है, क्योंकि लार्ज बॉडी साइज के कारण फीटस का जो बॉडी है वो लार्ज है और शोल्डर डिस्टोशिया के कारण या फिर पेरिनेटल टीयर और सर्वाइकल टीयर इसमें हो सकता है लेडी में। और ड्यूरिंग परफ्यूरियम क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसमें परफ्यूरियल सेप्सिस हो सकता है, क्योंकि पुअर रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन, पुअर मतलब जो बॉडी की रेजिस्टेंस है वो पुअर हो जाएगी तो वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं कर पाएगी, या फिर ऑपरेटिव डिलीवरी के कारण भी सेप्सिस हो सकता है, या फिर सब इम्यूनोसन यूट्रस भी इसमें देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि जो मेटरनल सॉफ्ट टिश्यू है उनमें इंजरी हो गई है, या फिर ओवर डिस्टेंशन यूट्रस है, जो यूट्रस की जो साइज बढ़ गई है क्योंकि फीटस की साइज भी ज़्यादा थी और साथ में पोलीहाइड्रामनोज भी था, तो फीटस ओवर डिस्टेंडेड हो गया है, तो उस वजह से भी इम्यूनोसन यूट्रस हो सकता है। देन फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगी, फीटल कॉम्प्लिकेशन में नेक्रोसोमिया, क्योंकि जो बेबी साइज है वो उसका वेट ऑफ 4 kg के आसपास होगा, ठीक है। तो क्यों होगा नेक्रोसोमिया, क्योंकि फीटस में डिपोजिशन ऑफ फैट का डिपोजिशन होगा और ग्लाइकोजन का डिपोजिशन होगा और प्रोटीन का, क्योंकि जो मदर में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में भी होगा। और स्टिल बर्थ भी देखने को मिल सकता है, क्यों, क्योंकि जो
जो इस कंडीशन के कारण, डायबिटीज़ की कंडीशन के कारण क्या है, जो क्रोनिक जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बेबी में ओटो का या फिर अदर न्यूट्रिएंट्स का या फिर मेटाबोलाइज का, वो अब्रप्ट हो जाएगा, उनका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो उसमें बाधा आ सकती है। इस वजह से स्टिल बर्थ भी देखने को मिल सकता है। स्टिल बर्थ कब हो सकता है, 28 वीक के बाद में, ठीक है। और उसके बाद में IUGR इंट्राउटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है, और न्योनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब इसमें न्योनेटल हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो अगर मदर का ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड में, तो वो बच्चे में भी जाएगा ग्लूकोज, तो वो बच्चे के ब्लड में भी इंक्रीज होगा ग्लूकोज लेवल। देन उसके बाद में डिलीवरी के बाद में जो उसके बाद में बच्चे का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ा हुआ होगा, तो उसकी वजह से बच्चे की जो इंसुलिन की सिक्रेशन होगा बच्चे में, उसको ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए। तो और उसके बाद में डिलीवरी के बाद में क्या होगा कि माँ से बच्चे में ग्लूकोज का जाना रुक जाएगा, तो बच्चे का जो लेवल है ग्लूकोज का वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, लेकिन इंसुलिन का लेवल उतना ही रहेगा, वो धीरे धीरे कम होगा। तो उस वजह से क्या होगा कि बच्चे का जो ग्लूकोज लेवल है उसमें अचानक से कमी हो जाएगी, क्योंकि उसमें इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन ग्लूकोज नहीं है, तो उस वजह से बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन अराइज हो जाती है। और क्या हो सकता है, बर्थ इंजरीज देखने को मिल सकती है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकती है बच्चे की, या सेंट्रल या फिर सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है, या फिर कैप्यूर सक्सिडेनियम या इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी हो सकता है, और कुछ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि लीवर हार्ट में इन सब में, या फिर इंटेस्टाइन में कुछ एबनॉर्मलिटी हो सकती है। उसके बाद में मैनेजमेंट देखते हैं, तो सबसे पहले इनिशियल मैनेजमेंट देखने में क्या करेंगे, तो इनिशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले प्री प्रेगनेंट काउंसलिंग पेशेंट को देंगे, ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए उसको काउंसलिंग देंगे, ठीक है। तो उसको उसके डाइट में फैट और कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम करने को कहेंगे, या फिर फाइबर इंटेक ज़्यादा का बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और इंसुलिन से अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है डायबिटीज़, तो साथ में डाइट थेरेपी के साथ साथ में इंसुलिन भी उसको स्टार्ट करेंगे, ताकि जो डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब हम ANC देखते हैं, एंटीनेटल केयर क्या क्या देंगे पेशेंट को, तो उसमें पहले हम काउंसलिंग करेंगे पेशेंट की, और किसी भी किसी कॉम्प्लिकेशन मैटरनल या फिटल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और उसको क्या क्या डाइट में मॉडिफिकेशन करना है, इंसुलिन कैसे लेना है, इन सब के लिए उसको काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में एंटीनेटल केयर में क्या क्या देंगे उसको, विजिटिंग उसकी, तो उसकी विजिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो उसकी विजिटिंग का टाइम क्या क्या होता है कि जो 20 वीक जेस्टेशन है उससे पहले उसकी एवरी 4 वीक में उसकी विजिटिंग होनी चाहिए, और 30 वीक से पहले एवरी 2 वीक में, और 30 वीक के बाद में एवरी वीक उसको विजिटिंग करनी चाहिए ऑब्स्टेट्रिशियन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास में। उसके बाद में उसकी डाइट, तो डाइट पे मॉडिफिकेशन उसकी ज़रूरी है, तो डाइट में लो फैट या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, या फिर इंक्रीज फाइबर, ये सब उसके हम कर सकते हैं। उसके बाद में उसकी हिस्ट्री टेकिंग, उसकी हिस्ट्री लेंगे हम, तो हिस्ट्री में अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है या फिर कोई और डायबिटीज़ के सिम्टम्स और दिखाई दे रहे हैं, तो उन सब के बारे में उससे पूछेंगे। उसके बाद में जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन क्या क्या, उसका पेलर देखेंगे, या BP, पल्स, या फिर जुगुलर में डिस्टेंशन, या उसका रेस्पिरेशन, या फिर उसको कार्डियोवैस्कुलर कुछ चेंजेस अगर हो रहे हैं उसमें, तो वो सब और ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन में करेंगे। उसके साथ साथ आई एग्जामिनेशन भी करेंगे, आई एग्जामिनेशन में फंडस एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें जो डायबिटिक रेटिनोपैथी को रोल आउट करेगा। उसके बाद में उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे,
तो एप्रोप्रियन एग्जामिनेशन में क्या क्या पता चलेगा, फिटस का प्रेजेंटेशन क्या है और फिटस की हार्ट साउंड या फिर जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन है वो उसकी जो फंडल हाइट है वो कितनी है, पीरियड ऑफ जेस्टेशन से ज़्यादा होगी अगर बिग बेबी होगा, अगर हाइडर में उसकी कंडीशन होगी तो, और उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में उसके क्या क्या करेंगे और ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसका, तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में उसका एच बी लेवल देखेंगे या ल्यूकोसाइट या प्लेटलेट काउंट या ब्लीडिंग टाइम फ्लोटिंग टाइम ये सब करेंगे और उसका रेगुलर बी पी चेक करेंगे और उसका वेट लेंगे और यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे। यूरिन एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, जो उसके ग्लूकोज लेवल होगा यूरिन में या प्रोटीन लेवल या फिर वॉल्यूम या स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर कोई कल्चर उसका लेंगे अगर कोई इन्फेक्शन हो तो। और उसके बाद में किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या फिर सीरियम क्रिएटिनिन यूरिक एसिड वगैरह ये सब देखेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, जो फंड यूएसजी करेंगे पेशेंट की, तो यूएसजी में क्या 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 आइडेंटिफाइड होगा, यूएसजी मेनली 28 या 32 या 36 वीक पे की जाती है, तो क्यों करेंगे, कोई माइक्रोसेमिया की कंडीशन या फिर पॉलीहाइड्रोमनोज को रूल आउट करने के लिए या फिर उसका जो डिलीवरी का टाइम या फिर मोड क्या होगा डिलीवरी का वो सब डिसाइड करने के लिए यूएसजी करेंगे। और उसके बाद में फीटल इवैल्यूएशन करेंगे, तो फीटस का इवैल्यूएशन क्या करेंगे, उसमें कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है अगर न्यूरल डिफेक्ट अगर लग रहा है तो मैटरनल जो सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल चेक करेंगे और यूएसजी के द्वारा भी फीटस की जो अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको देखेंगे। और उसके बाद में रेगुलर नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे फीटस का या फिर डॉपलर कर सकते हैं। उसके बाद में ब्लड शुगर एस्टिमेशन करेंगे प्रेगनेंट वुमेन का, तो ब्लड शुगर एस्टिमेशन के लिए उसको वैसे तो डेली उसको करना ही है फास्टिंग का और पोस्ट प्रांडल उसको करना है मतलब खाने के 2 घंटे बाद में, और उसके बाद में जब वो ये एंटीनेटल केयर के लिए आएगी तो उस समय भी उसका रेगुलर ब्लड शुगर करना है। और उसके बाद में जो लेबर का मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, तो लेबर का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि कौन सा लेबर उसको करना है, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन, तो उसकी कंडीशन पे ही डिपेंड है ये उसको उसका ग्लाइसेमिया जो कितना कंट्रोल है या फिर फीटस की जो सर्विलेंस है, फीटस में कोई एबनॉर्मलिटी कितनी सीवियर है क्या कंडीशन है उस पे डिपेंड होता है। तो जो सिजेरियन डिलीवरी है उसके लिए क्या क्या इंडिकेशन होने चाहिए, माल प्रेजेंटेशन हो अगर फीटस तो, या फिर जो मैक्रोसोमिया हो या प्रीवियस सिजेरियन की कंडीशन हो या फिर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो या फिर प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन हो या फीटल डिस्ट्रेस हो रहा हो या फिर पुअर कंट्रोल डायबिटीज़ की कंडीशन हो या फिर एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा हो, इन सब कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन करते हैं। तो सिजेरियन सेक्शन करने के लिए प्री प्लान होता है, इसमें सिजेरियन सेक्शन पहले इसको प्रॉपर प्लानिंग की जाती है कि कब और मोड क्या है इसका सिजेरियन सेक्शन का। उसके बाद में नॉर्मल डिलीवरी इसको अगर करनी है तो उसके लिए भी उसके प्रॉपर एग्जामिनेशन पूरा करना चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसको प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करके उसके बाद में डिलीवरी कंडक्ट करवाई जाती है। तो डिलीवरी कंडक्ट के लिए सबसे पहले पेशेंट को जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है पहले वाले दिन वो देते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट डे डिलीवरी वाले दिन उसके जो ड्रिप में इंसुलिन स्टार्ट किया जाता है। अगर ड्रिप में ना हो तो अगर इन्फ्यूज़न पम्प अवेलेबल हो तो इन्फ्यूज़न पम्प के थ्रू उसको इंसुलिन दिया जाता है या फिर आईवी ड्रिप के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में उसकी कंटिन्यूस ब्लड शुगर या यूरिन शुगर मॉनिटरिंग की जाती है। उसके बाद में अगर कोई इन्फेक्शन हो तो और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद में अगर नीड हो तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी भी की जा सकती है। शोल्डर डिस्टोशिया की कंडीशन हो रही है तो ऐसी कंडीशन में ध्यान से डिलीवरी करवानी है, अवेयर रहना है। और उसके बाद में जो
डिलीवरी के बाद में जेस्टेशनल डायबिटीज़ की कंडीशन में डिलीवरी के बाद में इंसुलिन को स्टॉप कर देना है। उसके बाद में केयर ऑफ न्यूबॉर्न क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें, केयर ऑफ न्यूबॉर्न न्यूनेटोलॉजिस्ट या फिर पीडियाट्रिशियन के द्वारा ही की जानी चाहिए। फिटस की मतलब न्यूबॉर्न में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हमको दिख रही है तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। और जो माइक्रोसोमिया या फिर जो ये कंडीशन है बच्चे में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के कारण, उसको केयरफुली एग्जामिनेशन करना चाहिए, उसका अफगार स्कोर प्रॉपर लेना चाहिए। और उसके बाद में जो बेबी का ब्लड शुगर है उसको भी चेक किया जाता है डिलीवरी के बाद में। डिलीवरी के तुरंत बाद बेबी का ब्लड शुगर लिया जाता है, उसके बाद 6 घंटे बाद, फिर 12 घंटे बाद, फिर एवरी 12 आवर पे इसको ब्लड शुगर लिया जाता है बेबी का 72 आवर्स तक। उसके बाद में फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एनकरेज करना चाहिए और विटामिन के देना चाहिए पेशेंट बच्चे को। और उसके बाद में क्या पोस्ट नेटली क्या